नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के पघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर नई गढ़ी थाना क्षेत्र से हवाई, जहां के जुड़निया गांव माही सड़क के किनारे खड़े तीन जने का तेज रफ्तार चार पहिया वाहन टक्कर मार दी। ये हादसा माही जहां पति पत्नी के मौके पर मौत हो गए, तो वहीं उनका बेटा गंभीर तौर से घायल हो गए। हम वहीं एक्सीडेंट से खिसियान भीड़ दोनों गाड़ी मागी लगाए दी। वही समय पुलिसकर्मी के साथ घलाए झूमा झटकी भय। फिलहाल पुलिस पति पत्नी के शव के पोस्टमार्टम कराए के परिजनन का दे दी नहीं, तो वह घायल युवक के उपचार चल रहा है। नई गढ़ी थाना क्षेत्र में कल दो गाड़ियों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। इसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस को सूचना गाँव वालों ने काफी लेट दी। जब तक पुलिस को सूचना मिलती, ग्रामीणों ने काफी उग्र व्यवहार किया और वहां पर दोनों गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया। और उसके पश्चात जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने उनको समझाइश दी, तब ग्रामीण शांत हुए और एक जो उनमें से घायल था उसका इलाज कराया जा रहा है। अभी हमने आज अपने DSP क्षेत्र के जो हैं उनको और दो थाना के आसपास के प्रभारियों को भेजा है कि आइडेंटिफाई करें कि क्या वाकई में परिवार के लोग उसमें शामिल थे या अन्य किसी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। रीवा माही संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान में केंद्र सरकार के वादा खिलाफी का लेके 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक MSP अधिकार सप्ताह मनावा जा रहा है। अलग अलग मांगन का लेके रीवा में जल सत्याग्रह कीनगा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह बताइन के 11 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक रीवा में MSP सप्ताह के शुरुआत 10 बजे से बिहार बिछिया नदी में बाबा घाट में जल सत्याग्रह कहके कीन गए। इस समय माही बाबा घाट में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ही 2 घंटा नदी में जल सत्याग्रह कहके केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ नारेबाजी कहके विरोध प्रदर्शन करें। किस प्रकार का सत्याग्रह है, कहां से किया? ये सत्याग्रह जो है केंद्र सरकार के खिलाफ, जो किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी की घोषणा किया, इसके बाद 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक संयुक्त किसान मोर्चे के नाम पत्र भेजा और उस पत्र में लिखित उसने वादे किए, वादा किया था कि MSP के संबंध में हम शीघ्र जो है कमेटी बनाएंगे और किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उनको वापसी की बात होगी और किसानों की शहादत का मामला है। सीधी जिला के मझौली थाना के गांव गजरी माही जनार्दन साहू के घरे में भीषण आग लग गई, जौने के कारण उनके घरे के साथ है उन घरे में रखा सलगा सामान और जर के राख हुई गा। घटना के बाद जनार्दन साहू के घरे में न तो खाए का अनाज आए, न घर के छत आए। वहीं यह घटना गैस सिलेंडर में भय ब्लास्ट के कारण घर के छत उड़ी गए, तो वह घरे में धरासल का कीमती सामान जर के राख हुई गई। अब परिवार प्रशासन से मदद के गुहार लगाए रहे हम। शहडोल जिला के वन परिक्षेत्र जैतपुर दक्षिण वन मंडल के गांव बांसी पटेरा से सटे पहाड़ी माही रविवार का बिहन्ने भीषण आग लग गए। पहाड़ी में आग लगे से हड़कंप मचा रहा। ये आग माही कई एक ठे पेड़ जर गए, जिसके बाद जैतपुर रेंजर राहुल सिंह और बुढ़ार रेंजर मनीष पटेल अपन सलगा स्टाफ लेके पहाड़ी में पहुंच के आग का बुझावे के प्रयास करी, जहाँ 3 फायर ब्रिगेड से आग में काबू पावा गा। खबर सतना से हवे, जहाँ व्यापम से आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के उत्तर लीक हुए के विरोध माही सतना जिला युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में ही कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिहिन। ज्ञापन में युवा कांग्रेस एक घोटाला के CBI जांच के मांग करिन। इस समय माही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र निगम, युवा कांग्रेस नेता नीरज मिश्रा, कांग्रेस समाज कल्याण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पांडे, रवि तिवारी के संगे सैकड़न कार्यकर्ता इकट्ठा भी रहे। उनका व्यक्तिगत निजी विषय है, वो आए या ना आए, हम लोग जिस पद में है, जो हमारा पद है युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष होने के नाते, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया, इस तरह से क्यों अभिषेक क्यों नहीं आते? अब ये आप उनसे पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा, स्वयं आप उनसे पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम लोगों का तो जो नैतिक कर्तव्य है हम लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण पांडे, लोकसभा उपाध्यक्ष जिला युवा कांग्रेस सतना। बुलेटिन की अगली खबर गढ़ थाना क्षेत्र से हवे, जहां शॉर्ट सर्किट होए के कारण खेत में रखी फसल आग के चपेट में आई गए। देखते देखते सलगी फसल जल के राख हो गए। वही घटना के जानकारी लगता है किसान मौका में पहुंचे और आग का बुझावे की कोशिश करें, पर जब तक आग पर किसान काबू पा सके तब तक बहुत फसल जल के राख हो गई रही। नाम का है? ठीक है, ठीक है। निवासी आप थाने का है? कहाँ हैं? किस बारे में आग जो लगी? आग कहाँ आग लगी है? खेत में लगी। किस खेत में?
126 नंबर। क्या बोया था उसमें? गेहूँ बोया था। निवासी कहाँ के हैं? ग्राम कोल्हा के। थाना? थाना गढ़। तहसील? जिला? तहसील जिला रीवा। कितने बजे आग लगी? 12-1 बजे। कितना नुकसान हुआ? 1 एकड़। बुलेटिन के अगली खबर मऊगंज से है, जहां सलगे देश के साथ है। मऊगंज में एहू साल सनातन धर्म का मानने वाले पारंपरिक तरीका से हवन पूजन करें। वहीं रामनवमी के पावन अवसर में ही बहुत ही प्रपात में दर्शन करे लोग पहुंचे, जहां भक्त माँ दुर्गा और भगवान श्री राम के पूजा अर्चना कई के भगवान के आशीर्वाद लिहीन और माँ अन्नपूर्णा के भंडारा के प्रसाद ग्रहण करें। सिगरौली के मोरवा जिला में ही रामनवमी के अवसर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हजारन के संख्या में राम भक्त शामिल भे। इस समय सलगा शहर भगवा रंग में दिखान, जहां जय श्री राम के जयकारन के साथ राम भक्तन में उत्साह देखे का मिला। ये अवसर में ही बूढ़ा बच्चा और महिलान में घलाए गजब के जोश देखे का मिला। रामनवमी के इस पावन पर्व पर मोरवा में इस विशाल काय जुलूस में अपने मोरवा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज पूरे मोरवा शहर को राम भक्त के रूप में देखा जा रहा है। अपार भीड़ के साथ में यह रामनवमी का जुलूस जो 2 वर्ष बाद निकाला गया है, आज मोरवा की जनता के साथ साथ पूरे सिंगरौली जिले में भी जगह जगह रामनवमी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मैं सिंगरौली वासियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।